दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां मुस्लिम आबादी तो है लेकिन उनके लिए एक भी मस्जिद नहीं है। लोगों को अपने घरों में या फिर किसी कल्चर सेंटर में इबादत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, हमारा भारत देश एक ऐसा धर्म निरपेक्ष देश है जहां हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, और इसी वजह से कुछ समुदाय के लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। खैर, यहाँ सभी धर्मों के लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और इबादत के अन्य धार्मिक स्थल मौजूद हैं। अगर हम बात करें इस्लाम मजहब की तो दुनिया की आबादी में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें से करीब 57 इस्लामिक कंट्री है। जाहिर है, इन देशों में मुस्लिमों के लिए इबादत की जगह यानी मस्जिद बड़ी संख्या में होगी। लेकिन आगे हम आपको एक अनोखी बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि बहुत से देशों में जहां मुस्लिम आबादी तो है लेकिन उनके लिए एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है, वहां मुस्लिम लोगों को अपने घरों या फिर किसी कल्चर सेंटर में इबादत करनी पड़ती है। यहां कई बार मस्जिद बनाने की मांग उठी, कई बार विवाद भी हुए, लेकिन यहां की सरकारों ने मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी। उनका मानना है कि मस्जिद बनाने से पहले विवाद हो रहा है, तो अगर मस्जिद बन जाती है तो और देशों में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एस्टोनिया देश के बारे में। एस्टोनिया एक ऐसा देश है जहां एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। इस देश में मुस्लिम आबादी बेहद कम है। साल 2011 की जनगणना के हिसाब के अनुसार वहां अब तक 1508 मुस्लिम रहते हैं, यानी वहां की आबादी का केवल 0.14% का हिस्सा। हालांकि निश्चित तौर पर अब तक इसमें बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन अब ये संख्या बहुत कम। वैसे यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, जबकि एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है जहाँ आमतौर पर मुस्लिम समाज नवाज के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ आमतौर पर सुन्नी, तातर और सिया अजेरी मुस्लिम एक साथ रहते हैं, जो कभी रूसी सेना में नौकरी किया करते थे। यहाँ के मुस्लिमों को आमतौर पर दासी या दास माना जाता है। हालांकि एस्टोनिया में कुछ जगहों पर लोग नमाज के लिए किसी कॉमन फ्लैट में इकट्ठा होते हैं। यहाँ सुन्नी और सिया एक साथ नमाज पढ़ते हैं, जबकि भारत में इन्होंने अपने आपसी मतभेद के कारण अलग अलग मस्जिदें बना चुके हैं। दोस्तों, एक और देश है स्लोवाकिया, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया दुनिया में यह एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम तो जरूर रहते हैं लेकिन यहां एक भी मस्जिद नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश में मस्जिद बनाने की अनुमति भी नहीं है। स्लोवाकिया में जो मुस्लिम है वो तुर्क और उगर हैं। वे 17वीं शताब्दी से यहाँ रह रहे हैं। साल 2010 में स्लोवाकिया में मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी। स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी है, लेकिन वो एक ऐसा देश है जो सबसे आखिर में इसका सदस्य बना। इस देश में मस्जिद बनाने को लेकर विवाद भी होता रहा है। साल 2000 में स्लोवाकिया की राजधानी में इस्लामिक सेंटर बनाने को लेकर विवाद हो गया। ब्रातिस्लावा में मेयर ने स्लोवाकिया इस्लामिक बब फाउंडेशन के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साल 2015 में यूरोप के सामने शरणार्थियों का प्रस्ताव भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। उस समय स्लोवाकिया में 2000 ईसाइयों को शरण दी, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से मना कर दिया। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके यहाँ मुस्लिमों की इबादत के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके कारण मुस्लिमों को शरण देना देश के लिए कई समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि इस फैसले पर यूरोपियन यूनियन ने भी आलोचना की थी। 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने कानून पास कर इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा देने पर रोक लगा दी। यह देश इस्लाम को एक धर्म के रूप में नहीं स्वीकारता। यूरोपियन यूनियन में स्लोवाकिया एकमात्र ऐसा अकेला देश है जहाँ कोई भी मस्जिद नहीं है। स्लोवाकिया में ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कानून है। इस देश में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप किसी से खराब व्यवहार में बात नहीं कर सकते और ना ही हल्ला मचा सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों, मोनाको देश के बारे में बात करते हैं। यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश है मोनाको, जो टैक्स फ्री कंट्री होने के साथ अपनी शानदार जीवन शैली और कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस और इटली के बीच स्थित मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यह दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति है। यहाँ यूँ तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन केवल चर्च है और कोई दूसरे धर्म स्थल नहीं है। यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, कुछ शोहरतमंद और कुछ दौलतमंद भी। फिर भी यहाँ कोई मस्जिद नहीं है और बनने की कोई संभावना भी नहीं है। दोस्तों, वेटिकन सिटी। वेटिकन शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित ऐसा देश है जो पृथ्वी का सबसे छोटा देश है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो केवल 44 हेक्टर मतलब 108.7 एकड़ है। यह इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है। यहीं इसके सर्वोच्च पंथ गुरु पोप का निवास है। यहीं से वे दुनिया भर के कैथोलिक चर्चों का नियंत्रण रखते हैं और उनके लिए नीतियां बनाते हैं। वेटिकन सिटी के
राजनीतिक संबंध दुनिया के सभी देशों से। वेटिकन सिटी में ना तो किसी दूसरे धर्म के लोग रहते हैं और न ही कोई धार्मिक स्थान बना सकता है, इसलिए यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। दोस्तों उरुग्वे, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्व हिस्सों में स्थित एक देश है। देश में रहने वाले करीब 35 लाख की आबादी में से 11 लाख लोग राजधानी मोंटेवीडियो में और उसके महानगरीय क्षेत्र में रहते हैं। देश की 88-94% आबादी यूरोपियन लोगों या मिश्रित वर्ण के लोगों की है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है। उरुग्वे में राजनीति को पूरी तरह धर्म से अलग रखा जाता है। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भी है। यहाँ 1000 के आसपास मुस्लिम रहते हैं, जो ब्राजील सीमा के करीब शहर चुए के पास रहते हैं। कुछ मुस्लिम रिवेरा, एरकडिगस और मोंटेवीडियो में रहते हैं। मोंटेवीडियो में 3 इस्लामिक सेंटर है, पर कोई मस्जिद नहीं। मुस्लिम इन्हीं केंद्रों में इबादत करते हैं। दोस्तों एक और देश, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, मध्य अफ्रीका का एक छोटा सा गणतंत्रीय देश है। यहाँ पुर्तगाली बोली जाती है। यहाँ मुस्लिम रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। ईसाई बहुयात में है। ये कभी पुर्तगाल का गुलाम था। 1970 से पहले यहाँ मुस्लिम तो थे ही नहीं। बाद में मुस्लिम शरणार्थी यहाँ आकर बसने लगे, जो पड़ोसी देश नाइजीरिया और कैमरून से आए। तब भी यहाँ उनकी आबादी 1000 से कम है। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। मुस्लिम खुले में नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों एक और छोटा सा देश है, सान मरीनो। सान मरीनो दुनिया का 5वां छोटा देश है। ये इटली के करीब दक्षिणी यूरोप में केवल 61 वर्ग किलोमीटर में बसा और आबादी महज 33,562 है। यहाँ की 95% आबादी कैथोलिक ईसाइयों की है। यहाँ यहूदी भी रहते हैं। यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, लिहाजा मस्जिद होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिरी में दोस्त भूटान। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, इस वजह से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। दोस्तों भूटान की कुल आबादी 7.5 लाख के आसपास है। 84.3% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाले की है। वहाँ बौद्ध मंदिर और मठ काफी है। दूसरे नंबर पर वहाँ हिंदू आबादी है, जो 11.3% है। उनके मंदिर और धर्म स्थल हैं। कुछ साल पहले खुद भूटान के राजा ने थिम्पू में काफी शानदार हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था। और भूटान में मुस्लिम आबादी बहुत ही कम है। भूटान में कुल मुसलमानों की संख्या 5,000 से 7,000 के आसपास है। लंबे समय से वो यहाँ मस्जिद बनाने की मांग करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वहाँ मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसी के साथ बताते चले कि भूटान का संविधान इस्लाम मजहब को कोई खास मान्यता नहीं देता है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि ईसाई धर्म के वहाँ लंबे समय से लोग मौजूद है, लेकिन भूटान सरकार ने उन्हें भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी है। और भूटान में ईसाइयों की आबादी करीब 30,000 है। ये लोग मूल तौर पर नेपाली है। इस देश में ना तो कोई ईसाई मिशनरी और ना ही कोई चर्च है। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जो 38,663 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भूटान के बराबर है, लेकिन वहाँ की आबादी 3.46 करोड़। तो दोस्तों इन खूबसूरत देशों के बारे में आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो ला सकूं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।